नमस्कार, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आज हम अभ्यास करेंगे अपने फोर्थ चैप्टर परमाणु की संरचना के कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस को साथ ही साथ अच्छे से सॉल्व करना है। और आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर अपने आप से क्वेश्चन को सोचिए कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, या फिर आप कॉपी में सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आंसर पता चलने पर आप क्या करें, उससे अपना आंसर मैच कीजिए। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और अभी आपको कितनी तैयारी की और जरूरत है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला प्रश्न है, सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपको सोडियम का परमाणु क्रमांक दिया हुआ है कितना, 11। ठीक है, और सोडियम परमाणु की द्रव्यमान संख्या भी आपको दी गई है 23। तो सबसे पहले तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो सोडियम का परमाणु क्रमांक है या परमाणु संख्या है उसे हम Z बोलेंगे, जो कि कितनी है, 11। ठीक है, और सोडियम की जो द्रव्यमान संख्या है उसे हम A बोलेंगे, जो कि है 23। तो देखिए, किसी भी उदासीन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन को आप E नेगेटिव या E ऋणात्मक के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉन यानी कि P पॉजिटिव या P धनात्मक की संख्या के। तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है ये दोनों ही बराबर होती है उस परमाणु के परमाणु संख्या या फिर परमाणु क्रमांक के बराबर। और यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। तो यहाँ पर सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या तो ज्ञात हो गई कितनी, 11। ठीक है, हमें प्राप्त करनी है न्यूट्रॉनों की संख्या जो कि बराबर होती है A माइनस Z के। A क्या है, द्रव्यमान संख्या, उसमें से घटाना है परमाणु संख्या को। ठीक है, तो A की वैल्यू रख दीजिए कितनी है, 23 है ना। सोडियम का द्रव्यमान संख्या कितनी है, 23 है, और सोडियम की परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। ठीक है, तो 23 में से जब आप 11 को घटा दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 12 ही क्या है, इसमें ये है सोडियम परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11 है। सोडियम परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11 है, और सोडियम परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक हमको 17 दिया हुआ है। ठीक है, और उसकी द्रव्यमान संख्या हमको 35 दे रखी है। ठीक है, अब हमको ये मालूम है कि जब हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी परमाणु संख्या को देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम कोश लिख लेते हैं, के कोश, एल कोश, एम कोश। ठीक है, और अगर अधिक कोशों की हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम आगे भी लिखेंगे, पहले इतने में ही हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण करके देखते हैं। इसके लिए देखिए, हम लोग क्लोरीन का एक परमाणु बना ही लेते हैं। तो देखिए, ये तो हो गया परमाणु का नाभिक। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर परमाणु का धनावेश मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद हम बनाते हैं के कोश। के कोश जब हमने इसका बनाया तो हमको मालूम है कि के कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, के कोश में अधिकतम
दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन हमने के कोश में भर दिए, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसका एल कोश, ठीक है। तो एल कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एल कोश में हो सकते हैं अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, हमने के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, दो इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। एल कोश में हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। 17 में से 10 माइनस करोगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो अब हम बनाएंगे इसका एम कोश, ठीक है। तो एम कोश अब हम लोग इसका बनाते हैं। देखिए ये है एम कोश और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हमको भरने हैं, क्योंकि अब 7 ही तो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो हम यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। तो क्या बन गया, के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और एम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये हो गया क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2, 8, 7, ठीक है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु के एम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उस तत्व का परमाणु क्रमांक और नाम बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ना परमाणु बना ही लेते हैं। अब ये किस तत्व का परमाणु है हमको नहीं मालूम है, बस हमें इतना मालूम है कि इसके एम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हमें मतलब इसके एम कोश तक बनाने हैं। ये हो गया परमाणु का नाभिक, ये हो गया के कोश, ये हो गया एल कोश और ये हो गया एम कोश, ठीक है। यहाँ पे धनावेश है और हमें दिया गया है एम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम एम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। अब हमको मालूम है कि अगर किसी परमाणु के एम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उसका के कोश और एल कोश अधिकतम इलेक्ट्रॉनों से भरा होगा, है ना। तो के कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और एल कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और एम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हम इस प्रकार से यहाँ पे लिख लेते हैं, के कोश, एल कोश और एम कोश। तो के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है अपने पास, 2 इलेक्ट्रॉन है, एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है और एम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जो भी ये तत्व है उसका परमाणु क्रमांक कैसे निकल जाएगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है उनके जोड़ से। तो 2 + 8 + 2 यानी कि कितना हो गया, 12। तो कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक 12 होता है, ये हमको पता होना चाहिए। ये होता है मैग्नीशियम का। तो इसका क्या मतलब है, हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जिस तत्व का नाम, जिसके एम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका नाम क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है। तो इतना आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के परमाणु के लिए विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण बताइए। अभी तक आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ ही रहा होगा, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वह कितना है, 7 है, ठीक है। इसके लिए जरा परमाणु बनाते हैं इसका। तो कैसे बनेगा, देखिए ये तो हो गया नाभिक, ठीक है, ये के कोश हो गया और ये एल कोश हो गया। अभी पहले इतने में ही हम लोग वितरण करके देखेंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक तो बहुत कम नजर आ रहा है, तो जो इसके कोश होंगे वह भी क्या होंगे, कम ही होंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर तो क्या हो गया, धनावेश हो गया, ठीक है। और जो इसके के कोश है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक 7 है, तो 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए के कोश में, अब कितने बचे, 5 इलेक्ट्रॉन और बचे। उन 5 इलेक्ट्रॉनों को आप यहाँ पर भर दीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब अधिक कोशों की तो हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि परमाणु क्रमांक हो गया, 2 + 5 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर के कोश, यहाँ पर एल कोश। के कोश में हमने कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे और एल कोश में हमने कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए।
तो यही हो गया नाइट्रोजन परमाणु के लिए विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, या फिर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी यही हो गया 2.5। ठीक है, समझ गए आप लोग इतना। अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में बताइए कि वे समस्थानिक हैं अथवा समभारिक हैं। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, वे समस्थानिक कहलाते हैं। और समभारिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होते हैं लेकिन परमाणु भार या फिर द्रव्यमान संख्या एक जैसे होते हैं, वे समभारिक कहलाते हैं। तो आपको तीन इसमें पार्ट्स दिए गए हैं, इनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क, यूरेनियम के। अब यहाँ पर यूरेनियम के हमारे पास जो युग्म है ना, इसमें देखिए इनका जो परमाणु क्रमांक है वह कितना है, 92 या फिर 92। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक तो कितना है, 92 है, 92 है। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, परमाणु क्रमांक 92। ठीक है, और जो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या है वह क्या है, अलग अलग है। ठीक है, एक की कितनी है, एक की है 235 और दूसरे की कितनी है, 238। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रमशः, यानी कि जो ये युग्म दिए गए हैं इनमें अलग अलग हमें द्रव्यमान संख्या देखने को मिल रही है और परमाणु क्रमांक कितना है, 92 सेम है। इसलिए दिया गया युग्म यूरेनियम का क्या है, एक दूसरे के समस्थानिक है, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक एक जैसे हैं जबकि परमाणु भार या फिर द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हैं। ठीक है, अगला युग्म देखते हैं। अगला युग्म हाइड्रोजन और हीलियम का है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वह कितना है, एक है, और हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है, दो है। तो देखिए इसको हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर क्योंकि दो अलग अलग तत्व दिए गए हैं तो इनके नाम लिख लेते हैं, एक तो है हाइड्रोजन और एक है हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हमको दिया गया है एक। ठीक है, और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है दो। ठीक है, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु भार कितना दिया गया है, तीन, और हीलियम का भी परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या हमको कितनी दी गई है, तीन। इसका क्या मतलब है कि इन तत्वों के जो परमाणु क्रमांक है वह तो अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं क्या है, सेम है, और जिनकी द्रव्यमान संख्याएं सेम होती हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, ऐसे युग्मों को हम क्या बोलते हैं, वे एक दूसरे के समभारिक होते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग, तो ये क्या है, समभारिक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के हमको दे रखे हैं परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्याएं, तो ये आपको क्या नजर आ रहे हैं, क्या हो सकते हैं, ये समस्थानिक होंगे या फिर संभारिक होंगे। यहाँ पर देखिए इनके जो परमाणु क्रमांक हैं, है ना, परमाणु क्रमांक कितने दिए गए हैं इनके, आठ हैं दोनों के। ठीक है, और जबकि जो द्रव्यमान संख्या है इनकी, द्रव्यमान संख्या कितनी दी गई है, एक की दी गई है 16 और एक की दी गई है 18, या फिर जिसे हम परमाणु भार भी बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं इनके जो परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या है वह क्या है, सेम है 8, लेकिन जो द्रव्यमान संख्याएं हैं वे क्या है, अलग अलग है। ठीक है, और जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं, ऐसे तत्व या परमाणु एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो दिया गया युग्म है ये क्या है, समस्थानिक है एक दूसरे के। तो समझ गए आप लोग इतना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने फोर्थ चैप्टर के भी जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन सब को हमने सॉल्व कर लिया। अब आपका काम है कि इनको अच्छे से रिवाइज करते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन या इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो आपकी किताबों में और भी दिए गए हैं, उन्हें भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है।